नमस्कार दोस्तों, बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। कल इसका पहला दिन था जहां पर भारत पहले लड़खड़ाती हुई दिखी और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला और एक अच्छे स्थान पर भारतीय टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि दिन की शुरुआत हुई जहां पर लगातार चार विकेट गिर चुके थे। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जल्द ही आउट हो गए थे। साथ ही साथ हनुमा विहारी का विकेट भी जल्द ही गिरा। पांच विकेट भारत को जल्द ही चले गए थे। 98 के स्कोर पर ही इन पांच विकेटों का पतन हो चुका था। इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच में शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली 200 से ज़्यादा रनों की और भारत एक बार फिर से गेम में वापस आ गया। बात करें ऋषभ पंत की तो जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। ऋषभ पंत ने इस पारी में 146 रन बनाए। आपको यह पारी पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों बता दें कि ऋषभ पंत की पारी से मैच ऐसा बदला कि सीधा इंग्लैंड की टीम से भारतीय टीम के पक्ष में ये मुकाबला आ गया, क्योंकि पहली पारी में भारत जहां 200 से कम स्कोर पर ऑल आउट हो सकता था, वहां ऋषभ पंत के 146 रनों की पारी ने भारत को 300 पार पहुंचा दिया और अभी भी बल्लेबाजी भारत की जारी है। भारत के 6 विकेट गिर चुके हैं, ऋषभ पंत भी आउट हो चुके हैं, लेकिन 83 रन बनाकर रविंद्र जडेजा भी डटे हुए हैं। ऋषभ पंत ने 146 रन बनाए, 111 गेंदें ही खेली थी। ताबड़तोड़ पारी खेलने देखने को मिली उनके बल्ले से। 131 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ दिया। आपको बता दें कि 20 चौके और 4 छक्के जड़े इस पारी में और धमाकेदार पारी देखने को मिली ऋषभ पंत के बल्ले से, और इस पारी के बदौलत भारत जो है वो बढ़िया स्थिति में फिलहाल तो आ चुका है। दिन का खेल अभी भी जो खत्म हुआ पहले दिन का, वो 300 के पार भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। रविंद्र जडेजा जो हैं वो खेल रहे हैं। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी बेहद ही शानदार रही। किसी भी गेंदबाज को उन्होंने शर्ट नहीं हो दिया। इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की ताबड़तोड़ पिटाई की। अंत में रूट की गेंद पर अपना कैच जो है वो क्राउली को थमा बैठे और यहाँ से उनकी पारी खत्म हो गई। 146 रन पर वो आउट हो गए और भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुँचा गए। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और भी बड़ी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।